हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, हम लोग एक साल का करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम लोग सीरीज का क्लास 11 होने वाला है, ठीक है। जो तो 11th क्लास होने वाला है आज। नेट देख रहे हैं, देखा कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम अभी फिलहाल में देने वाले हैं तो ठीक है। चलिए, हम लोग SPD का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, लगभग 11 क्लास कर चुके हैं। एक क्लास में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 10 हो चुका है, 11वां आज होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे जैसे CGL के स्टूडेंट हैं तो इसे ज़रूर देखिएगा, रामबाण साबित हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, पल पल की अपडेट के लिए भी, ठीक। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन आज का। इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ IQAR, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी 2021, कौन सा है? तो दिल्ली है, सी इज द राइट आंसर। हु हैज़ रिटन सोली सौरभजीत लाइफ एंड टाइम्स रिसेंटली, किसके द्वारा? तो अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा, ठीक, बी इज द राइट आंसर। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट द स्टेट OBC कमीशन? स्टेट OBC कमीशन कौन बनाया? तो बताइए असम, कौन? असम इज द राइट आंसर। ऑन विच डेट वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है? बताइए, आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। TB डे वाला 24 मार्च को मनाया जाता है ये। पुष्कर सिंह धामी कहाँ का चीफ मिनिस्टर बना है? उत्तराखंड का। कितने नंबर का था? 9 नंबर का, ठीक है। और पंजाब वाला कितना था? 17 नंबर, याद रखिएगा, ठीक है दोनों। रिसेंटली हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स इन पूमा? पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? द जॉर्ज रसेल, कौन? जॉर्ज रसेल, सी इज द राइट आंसर। इन द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है, कब? 23 मार्च को मनाया जाता है। हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलेटिक्स टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड पैरा एथलेटिक्स रिसीव करने वाला पहला कौन था? तो देवेंद्र झझाड़िया, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देवेंद्र से याद रखना है आपको। इन विच स्टेट इंडियाज का फर्स्ट पेपरलेस स्टेट असेंबली हैज बीन फॉर्म्ड रिसेंटली? बताइए, पेपरलेस असेंबली फॉर्म किया गया कौन सा स्टेट असेंबली? तो आपको याद रखना है नागालैंड, कौन सा? नागालैंड। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप? किसके साथ? क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप किसके साथ? जापान के साथ। वेन वाज वर्ल्ड एस्पेरो डे? वर्ल्ड एस्पेरो डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वर्ल्ड एस्पेरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है, कब? 20 मार्च वर्ल्ड एस्पेरो डे, बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन पूछा, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एलिसा भारती किस खेल से रिलेटेड है? तो टेनिस है, कौन सा? टेनिस से रिलेटेड है। रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी रमेश चंद्र लहोती हैज पास्ट एट द एज ऑफ 81, हु वाज सी? देखिए दोस्तों, जो पास्ट हो जाते हैं ना, जो फिलहाल में ही एक्सपायर किए हैं, उससे क्वेश्चन बन जाते थे किस फील्ड से वो थे पहले, ठीक है। तो रमेश चंद्र लहोती कौन से? फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, कौन? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली? तो किसे बनाया गया, बताइए। चलिए, तो कुलतार सिंह सांधवा जी को बनाया गया स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली का। हु हैज ऑन द फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड पिक्स है? देखिए, बहरीन ग्रैंड पिक्स टाइटल 2021 कौन जीता है? तो चार्ल्स लेक्रेल्स, बहरीन वाला चार्ल्स लेक्रेल्स, ठीक है, बहरीन वाला 2022। रिसेंटली डेनियस पर्नेल सुलेवान हैज रिसीव द एबल प्राइज। एबल प्राइज किसमें दिया था? मैथमेटिक्स, तो क्लियर हो गया आपको, एबल प्राइज के बारे में पता था, मैथमेटिक्स क्लियर हो गया, ठीक है। तो किसको मिला? सुलेवान को मिला 2022 का मैथमेटिक्स प्राइज। वेयर इज द सेफ अंडर 18 वोमेंस चैंपियनशिप? सेफ अंडर 18 जो हुआ था वोमेंस चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना, कहाँ? झारखंड में हुआ था, कहाँ? झारखंड। चलिए, 35 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में लगता है। विच कंट्री हैज अनाउंस टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की विद द टॉप स्टेट ऑनर? चेक रिपब्लिक। विच रेलवे जोन हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल? तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, किधर? ईस्टर्न रेलवे जोन। हु हैज रिसेंटली ओन इट्स फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल? कौन जीता है? तो हैदराबाद FC। हु हैज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया रिसेंटली? किसे बनाया गया था? बताइए, हिसासी टेकोची, ठीक है, इसे मारुति सुजुकी का बनाया गया CEO और MD। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेवा प्रोग्राम? NEVA, नेवा प्रोग्राम कौन सा? नागालैंड।
रिसेंटली योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना, किस कितने टाइम का ये लगातार 2 बार बना, ठीक है, सेकंड टाइम्स। चलिए इंडियन आर्मी वर्जन, सॉरी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, फुल फॉर्म MRSM के फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो क्या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैज़ डेवलप्ड बाय DRDO, कौन किया, DRDO के द्वारा किया गया, किसके पार्टनरशिप में, तो इसराइल के पार्टनरशिप में, ठीक है। चलिए एक्वा मैप कौन सा IT के द्वारा लॉन्च किया गया, एक्वा मैप, तो एक्वा मैप M से मद्रास, M से मैप, ठीक है, तो IT मद्रास के द्वारा एक्वा मैप के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, मद्रास याद रखिएगा, एक्वा मैप मद्रास। चलिए विच फिल्म हैज ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 94 एकेडमिक अवार्ड, देखिए द पावर ऑफ द डॉग मत मारिएगा, ठीक है, ये बाप्ता का बेस्ट फिल्म है, ठीक है, तो इसमें 94 एकेडमिक अवार्ड बोला था, कोडा हो जाएगा, क्या कोडा इज द राइट आंसर, तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कौन पूछ रहा है एग्जाम में। वर्ल्ड थिएटर डे, थिएटर डे का क्या थीम है इस बार का, तो इसका थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, ये इज द राइट आंसर। चलिए हु हैज रिटन द चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय, कौन लिखा है, दसमंत टुटू और तेंजिन ग्यात्सो, ए और बी दोनों हो जाएगा। विच कंट्री वाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग 2017-21 सिप्रिक अकॉर्डिंग, तो कौन सा कंट्री, USA। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा, तो कौन सा मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दोनों लॉन्च किया, ठीक है, झरोखा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क, बताइए कहाँ पे, तमिलनाडु, फर्नीचर पार्क तमिलनाडु। इन विच सिटी ऑफ कंट्री फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, फर्स्ट ड्रोन स्कूल ग्वालियर, ठीक है। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा बींग कंस्ट्रक्टेड इन द स्लीपिंग पोस्चर, ठीक है, तो कहाँ पे, बिहार में, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इन विच कंट्री विल द 51st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स टू बी हेल्ड इन 2022, कौन सा कंट्री, वियतनाम। इंडियाज का फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर हैज बीन डेवलप्ड बाई विच कंपनी, तो पावर ग्रिड के द्वारा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। रिस्ट एस्योर्ड इंपॉर्टेंट है ये, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर, तो रिस्ट एस्योर्ड याद रखना है आपको, GR विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ जी का था, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, विश्वनाथ, रिस्ट एस्योर्ड। हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलेटिक्स टू रिसीव द पद्म भूषण, तो क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, देवेंद्र। हु हैज अनाउंस द 23rd लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, बताइए लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो प्रियंका नुटकी, सी द राइट आंसर। इन विच कंट्री द महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल वॉज इनोग्रेटेड बाई द एम्बेसी ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेडागास्कर, कौन सा, मेडागास्कर। प्रलय मंडल हैज वॉज अपॉइंटमेंट द इंटरियम MD & CEO, कौन सा बैंक का, CSB बैंक का। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक ऑफ प्रोवाइड फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटो लोन्स, तो कौन सा बैंक, HDFC बैंक। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लिमिट ऑफ UPI लाइट बैलेंस वंस ऑन डिवाइस वॉलेट, वॉलेट पे कितना होना चाहिए मिनिमम बैलेंस, टोटल मिनिमम बैलेंस तो 2000 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज क्रॉप डिजर्टिफिकेशन इंडेक्स, ये क्वेश्चन कल भी आ चुका था, तो कौन सा था, तेलंगाना था। विथ विच नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैज जर्मनी साइन एनर्जी पैक टू प्रोड्यूस डिपेंडेंस ऑन रसिया, क्या हुआ, कतर। नेम द कार्गो शिप दैट हैज बिकम द लॉन्गेस्ट एवर टू सेल ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, तो बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है, MV रामप्रसाद बिस्मिल, सी द राइट आंसर। इंडियाज का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज बिंग एस्टेब्लिश इन विच सिटी ऑफ इंडिया, तो गुरुग्राम में, कहाँ पे, गुरुग्राम में। इन विच ऑफ द डिविजन इंडियन रेलवे हैज कमीशन द गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, तो कौन सा का, ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, तो कहाँ पे, आसनसोल, सी इज द राइट आंसर। इन विच इंडियन सिटी द फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट मेड ऑफ वेस्ट स्टील, देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, रोड प्रोजेक्ट बना रहा है किससे, वेस्ट स्टील का जो वेस्ट पार्ट है उससे, तो कौन सा,
सूरत, ए इज द राइट आंसर सूरत। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स, तो कौन सा किया, गुजरात इज द राइट आंसर। विच इंडियन स्टेट इज ऑल सेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉयल हेल्थ, तो कौन सा स्टेट, केरला। चलिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज इशूड द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन देगा जैसे IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, UNDP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा मान लीजिए, ठीक है। तो याद रखना आपको वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, भीम बहादुर, भीम बहादुर कहाँ का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था जो 93 की उम्र में डेथ कर गया, तो याद रखें सिक्किम का था, कहाँ का, सिक्किम का। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड हैज बीन बिल्ट रिसेंटली, तो सूरत, गुजरात। चलिए, मेडलाइन अल्ब्राइट द फर्स्ट वोमेन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ट अवे एट द एज ऑफ 84, तो कौन सा कंट्री का, अमेरिका का था, ठीक है। विच स्टेट हैज टॉप्ड अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड, तो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन द बुक इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 230 रिलीज बाय नीति आयोग, तो कौन सा होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच स्टेट जिंक्विंग जारी और लिविंग रूट ब्रिज, जिंक्विंग जारी और लिविंग रूट ब्रिज हैज बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को में डालने की बात कहा जा रहा है, किसको, कौन सा, जिंक्विंग जारी, इसका मतलब है लिविंग रूट ब्रिज, कहाँ, मेघालय, कहाँ पे, मेघालय, जिंक्विंग जारी और लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, मेघालय वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक, और सीरीज को देखा कीजिए, डेली होता है क्लास, 50 से 60 क्वेश्चन करंट अफेयर SPD का, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।